हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये स्टार क्यूल्ट डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा तीन कलर के कपड़े से बनेगा। तो ये मैंने तीन कलर का कपड़ा लिया है, जैसे कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये कलर है हमारे, तो ये हमारे चार पीस हैं, ये भी हमारे चार पीस हैं, ये चार पीस हैं, ये भी चार पीस हैं, चार चार पीस हैं हमारे सभी कलर के। अब ये मेजरमेंट में है, ऐसे 4 इंच है, यहाँ से भी हमारा 4 इंच है, 4x4 के हमारे चार पीस हैं। ये भी 4 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी 4x4 के चार पीस, ये भी 4x4 का है, तो ये भी चार पीस हैं। ये हमारा लास्ट पीस है, ये हमारा 3.5 इंच का है, यहाँ से 3.5 इंच है, और इस साइड से भी हमारा 3.5 इंच है, 3.5x3.5 इंच के ये चार पीस है। अब जैसे तीन पीस है हमारे, ये तीनों का डिज़ाइन बनेगा, ये हम बाद में लगाएंगे, इसको हम साइड में रखते हैं। तो जैसे ये पीसीज हैं हमारे 4, 4 और ये 4, तो इनको हमें रेडी करना है। तो जैसे ये हमारा रेड पीस है, इसे हम इस तरह से ऐसे रखेंगे, सीधी साइड हमारी इस साइड आएगी ऐसे, और इसके साथ हमें ये वाइट रखना है। ये हमारे जैसे रेड और वाइट के 2 पीस हो गए। इसके बाद ये हमारा है और नेवी ब्लू, और ये हमारा वाइट आएगा इस तरह से, ये भी हमारा इस तरह से आएगा। इसके बाद हमारे ये 2 कलर के पीस बचे हैं, तो इन्हें हमें इस तरह से लगाना है, जैसे ये कलर लगाया और इसके ऊपर हम इसे लगाएंगे इस तरह से, ये भी हमारा इस तरह से आएगा। ये हमारे इस तरह से पीस सेट हो गए। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये कॉर्नर है हमारा जैसे, और ये कॉर्नर है, यहाँ से हमें एक तिरछी लाइन लगानी है, ये लाइन लगा दी। अब इसके बाद जितना हम सिलाई के लिए कपड़ा लेते हैं, उतना हम एक और लाइन लगाएंगे, और इसके साइड में भी हम ऐसे ही इतने गैप में लाइन लगाएंगे। ये लाइन हमारी लग गई, सभी पीसेस में मैंने इस तरह से लाइन लगा दी है। अब हम सिलाई करेंगे, तो जैसे ये हमारी साइड की ये लाइन है, यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, तो सारे पीसेस पे सिलाई करते हैं। ये सिलाई लगा दी है मैंने, ये हमारे इस तरह से आएगी, ये साइडों में है यहाँ से। इसके बाद हमें ये सेंटर लाइन काट लेनी है इस तरह से, तो ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है, इसी तरह बाकी के पीस रेडी करेंगे। ये प्रेस करके मैंने सारे पीस रेडी कर दिए हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमारा थोड़ा थोड़ा ऐसे कॉर्नर निकल आता है सिलने के बाद, इसे हमें कट कर लेना है, बाकी सारे पीस हम इसी तरह रेडी करेंगे। ये सारे पीस हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 2 कलर वाले पीस लेंगे, तो इस कलर को हमें इस तरह से लगाना है, और ये हमारा ऐसे आएगा जैसे रेड, और ये हमारा ब्लू आएगा। ये 4 पीस हमारे इस तरह से सेट हो गए हैं। अब ये रेड पीस लेंगे हम, इन्हें सेट करना है, तो जैसे ये हम इस तरह से लगाएंगे, और ये हमारा ऐसे आएगा, तो ये हमारा जैसे एक लीफ जैसी शेप बन जाएगी। इसी तरह से हमारे ये दूसरे आएंगे इस तरह से, ये सारे पीस हमारे इस तरह से लग गए हैं, जैसे इस तरह से हमारे ये देखिए लीफ जैसा आया है, ऐसे बन गया है। अब ये हमारे जो 3.5 इंच के जो हमने साइड में रखे थे, ये लगेंगे इन कॉर्नर में। तो ये हमारे इसलिए 3.5 इंच लिए हैं, क्योंकि इसमें हमारी सिलाई आई है, तो 1/2 इंच हमारा उसमें गया है, इसलिए ये 3.5 इंच के हैं। ये पीस सारे इस तरह से हमें सेट करने हैं। अब इन्हें हमें सिलना है, तो जैसे ये लाइन है इसे सिलेंगे। तो ध्यान रखना है, हमें जैसे पीस रखे हैं उसी तरह से सिलाई करनी है, एक एक दो दो उठा के, नहीं तो हमारा एक भी पीस इधर उधर हुआ तो डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लाइन सिलेंगे, ये लाइन मैंने सिल दी है, ये ऊपर की भी सिल दी है। अब ये दोनों लाइनें सिलेंगे, तो जैसे इस तरह से हम यहाँ से सिलेंगे, इस तरह ये दूसरा पीस और तीसरा, इस तरह ज्वाइन करेंगे सारे पीसेस। ये सारे पीसेस मैंने सिल दिए हैं, यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है, जिससे सारी सिलाइयाँ हमारी एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी। यहाँ पर प्रेस करने के बाद अगर कपड़ा हमारा थोड़ा थोड़ा जैसे आगे पीछे यहाँ से हो जाता है, तो उसे हमें बराबर कर लेना है काट के।
जैसे ये पीस है हमारा, ऐसे हमारा थोड़ा सा हो जाता है, तो इस तरह से बराबर कर लेना है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी एकदम बराबर अच्छे से सिलाई आएगी। ये पीस रेडी हो गए हैं। अब इस तरह से हमें सिलना है इन्हें, जैसे ये पीस हम इस पे रखेंगे और जैसे ये कॉर्नर है हमारी और ये कॉर्नर है, एकदम बराबर आने चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अगर हल्का सा हमारा आगे पीछे है तो उसे हम थोड़ा सा खींच के कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा हमारा, हल्का सा होगा तो हो जाएगा। ये पीस और ये दोनों सिल दिए हैं मैंने। अब ये हमारे दो पीस बन गए हैं, इनको भी सिलना है। तो जैसे इस तरह से हम रखेंगे पीस को, और ये हमारा जैसे सेंटर पॉइंट है, इसको हम बराबर रखेंगे, और ये भी कॉर्नर है, बराबर रख के यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। ये सेंटर की सिलाई भी हमारी लग गई है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए कॉर्नर से कॉर्नर हमारे एकदम बराबर आए हैं। ये हमारा तभी बराबर आएंगे जब हमारी कटिंग एकदम बराबर होगी, जब हम स्टिचिंग करते हैं वो भी हमारी एकदम बराबर आएगी। जैसे ये हमारी स्टिचिंग में जितना कपड़ा हम यहाँ पर लेंगे तो सारी सिलाई हमारी इसी, जैसे इतना लिया है तो इतना ही आनी चाहिए कोई भी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद सिलाई करते टाइम हमारा जैसे कपड़ा इस तरह से थोड़ा इस तरह हो जाता है आगे पीछे, तो इसे हमें बराबर करके कट कर लेना है चारों साइड से। अब ये पीस हमारा बनके रेडी हो गया है। तो ये मेजरमेंट में हमारा बना है 12 इंच, यहाँ से भी हमारा ये 12 इंच है, 12x12 इंच का ये ब्लॉक बना है हमारा। तो इस मेजरमेंट में हमारा 11x11 का कुशन कवर बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो इसमें से एक कलर ले लीजिए, 2 इंच की पट्टी हम यहाँ पे लगाएंगे चारों ओर में, तो ये हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको कुशन कवर बनाना है जिप वाला या बिना जिप वाला, तो उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे एक पीस बन गया है हमारा, तो इस तरह के हमें सेम साइज के 4 पीस बनाने हैं। तो ये मैंने 4 पीस बना लिए हैं। अब इन पीसेस को हमें अरेंज करना है। जैसे ये पीस हम इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से अरेंज कर दिए। अब ये सेंटर में हमारा प्लेस है खाली, तो यहाँ पे हम इसमें से कोई भी कलर ले लेंगे। तो ये मैंने लिया है, तो ये जैसे हमारा है 2 इंच यहाँ से चौड़े में, तो ये पट्टी मैंने कट कर ली है, ये हमारी यहाँ पे आएगी, जितना स्पेस हमारा ये है यहाँ तक इतनी हम कट कर लेंगे। ये चारों साइड में मैंने इसी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जितना भी आएगा उतनी स्ट्रिप्स लगा दी है। अब ये सेंटर का पॉइंट हमारा खाली है। अब यहाँ पे मैं रेड कलर का इस तरह से ये पीस लगाऊंगी ऐसे, तो ये हमारा है 2 इंच यहाँ से, और यहाँ से भी 2 इंच है, 2x2 इंच का ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा यहाँ पे आएगा सेंटर में। ये सारे पीस सेट हो गए, अब हम सिलेंगे। तो पहले हमें ये पीस 3 सिलने हैं, ये तीनों, तो जैसे ये है इसके साथ सिलेंगे यहाँ पे, और ये हम इसके साथ सिलते हैं, तो ऊपर वाला पीस भी हमारा इसी तरह आएगा। ये दोनों पीस सिल दिए हैं। अब ये बीच की लाइन है, इसे हमें सिलना है। जैसे ये हम इस पट्टी के साथ सिलेंगे और इस पट्टी के साथ सिलते हैं। अब ये सेंटर की पट्टी मैंने सिल दी है। अब इसे हमें इस पट्टी के साथ, इस जो दो पीस है इनके साथ ज्वाइन करना है। इसके बाद हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। अब ये सारे पीस हमारे ज्वाइन हो चुके हैं, ये हमारा सेंटर में इस तरह से आया है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन दिख रहा है। जैसे ये मैंने 4 पीस लगाए हैं, तो ये हमारा टेबल का कवर या बेबी बेडशीट इस डिज़ाइन से हमारी बन जाएगी, इतने पैटर्न से। तो ये हमारा जैसे मेजरमेंट में है यहाँ से 26 इंच है ये यहाँ से, और इस साइड से भी हमारा ये 26 इंच है। तो 25x25 की ये एक बेबी बेडशीट आराम से बन जाएगी, जहाँ हम टेबल का कवर भी बना सकते हैं। अब अगर आपको ऐसी बेडशीट बनानी है बड़ी, तो जैसे इस तरह से ये मैंने ब्लॉक बनाया था, ऐसे हम ज्वाइन करते जाएंगे, जितनी बड़ी बेडशीट बनानी है उस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे और उतनी बड़ी बेडशीट बना लेंगे। उसके बाद जैसे साइडों में हम जैसे ये पट्टी दी है, तो हम 3-3 या 4-4 इंच की ये दोनों कलर की मिक्स करके दे सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा हमारा एक बेडशीट का डिज़ाइन बन जाएगा। इस डिज़ाइन से आप चाहें बेडशीट बनाएं, कुशन कवर बनाएं या पिल्लो कवर बनाएं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा बनके रेडी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें। इससे ये होगा कि जो भी मैं इस तरह के वीडियो बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।